गुजरात के सूरत स्थित लाजपोर जेल में आज रक्षाबंधन के दिन कैदी भाइयों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। बता दें, लाजपोर जेल में कैदियों को राखी बांधने के लिए उनकी बहनें पहुंची। जेल प्रशासन की ओर से रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों को राखी बांधने की व्यवस्था की गई। इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से बहनें भाइयों को राखी बांध रही हैं और एक पल के लिए दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिए है मैंने कि भगवान जल्दी मेरे भैया को छोड़ दे। उसका नाना छोटा बच्चा है, मेरी माँ है, बूढ़ी माँ है, घर में कोई खमाई खाने वाला, उसको नहीं, नाना छोटा छोटा बच्चा है बेचारा का, कि भैया छूट जाए। अच्छा तो नहीं लगा अंदर राखी बांधने आए, लेकिन जितनी जल्दी बाहर आ जाए उतना अच्छा है, फिर हमें और खुशी मिलेगी। और अच्छा लगा, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बहुत लेट नंबर आया, उसलिए दुखी है, लेकिन अच्छा लगा अंदर राखी बांधी, मन खुश हो गया भैया से मिलके, बहुत खुशी हुई। बता दें, पिछले साल की तरह इस साल भी जेल में बेहद भावुक दृश्य देखने को मिले, जिसमें राखी बांधते समय भाइयों बहनों की आंखों में आंसू छलक पड़े। थोड़ी देर के लिए पूरा माहौल गमगीन हो गया। अपने प्यारे भाइयों को जेल में कैदी का जीवन जीते देख बहनें दुखी हो गई। भाई भी अपने परिवार वालों को देखकर ऐसे रोए जैसे मानो कि वे अपने किए पर पछतावा कर रहे हों। लाजपोर जेल के अध्यक्ष टीपी भट्ट ने बताया कि रक्षाबंधन के पावन पर्व के अनुरूप आज लाजपोर सेंट्रल जेल में भी विशेष व्यवस्था की गई, ताकि जेल में बंद भाइयों को भी उनकी बहनें राखी बांध सके। जेल प्रशासन की ओर से सभी कैदी भाइयों को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि उनकी बहनें राखी बांधने के लिए यहाँ आ सकती हैं। इसी क्रम में आज सुबह सबसे पहले प्रशासन की ओर से सभी बंदी भाइयों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी गई। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।